लोकतंत्र के लिए खतरा है मोदी और शाह, कांग्रेस नेता माणिकराव ठाकरे का भाजपा पर हल्ला बोल। 6 सालों से देश में राज कर रही भाजपा लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रही है, ऐसा कहना है महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे का। सुर्खियों से गायब रहे माणिकराव ठाकरे इस बयान के बाद फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और मोदी शाह की जोड़ी चुनी हुई कांग्रेस सरकारों को गिराकर लोकतंत्र को बर्बाद करने में जुटी है। पहले गोवा, फिर कर्नाटक, मध्य प्रदेश इसका उदाहरण है। अब राजस्थान और महाराष्ट्र में भी भाजपा नेता यही खेल खेल रहे हैं। कांग्रेस नेता ने एक बयान जारी कर कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी और शाह के खिलाफ सड़क पर उतरना होगा। आइए सुनाते हैं माणिकराव ठाकरे ने और क्या कुछ कहा। पूरे देश में लोकतंत्र को ही खत्म करने का प्रयास बीजेपी की तरफ से हो रहा है और इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारी विरासत है, इसी लोकतंत्र के अंदर पूरे देश में गरीब जनता को न्याय मिला है, सबको न्याय मिला है। लेकिन जब हम लगातार देखते आ रहे हैं कि जब से बीजेपी सरकार बनी है, मोदी जी की सरकार बनी है, इस लोकतंत्र को तोड़ने का पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है। हम अभी हालत देखते हैं कि जो हमारी सरकार बनी थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसको तोड़ने के लिए पूरी तरह खरीदारी जो हो रही है, जो मध्य प्रदेश में हमने देखा है, वही अभी राजस्थान में चल रहा है। और इस तरीके से प्रयास करके जो लोकतंत्र से लोगों ने चुनी हुई सरकार सत्ता पे आती है तो उसको गिराने का प्रयास इस तरीके से ये बीजेपी की गवर्नमेंट की तरफ से होता है। और लोगों को ये सब पूरी बारीकी से ध्यान देना चाहिए और इसके बारे में खुलकर सामने आना चाहिए और इसका जोर शोर से विरोध करना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि एक ही बात नहीं है, इसको अगर हमने नजरअंदाज किया, हम अगर रास्ते पे नहीं आए तो कल चलकर हमको पछताना पड़ेगा। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।